हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना को लेकर सजगता बेहद जरूरी, लापरवाही पड़ सकती है महंगी। भगवती प्रसाद। गांव-गांव तक कोरोना जागरूकता की अलग जगाने सिरोही जिले के 3 ब्लॉकों रेवदर, पिंडवाड़ा और आबू रोड के लिए कोरोना जागरूकता रथ रवाना। बीते 2 वर्षों के दौरान पूरी दुनिया ने कोरोना रूपी एक बहुत बड़े संकट का सामना किया है। हालांकि लगातार बढ़ते टीकाकरण के साथ धीरे धीरे कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन कोरोना पूरी तरह से चला गया ये कहना अब भी जल्दबाजी होगी। पिछले बार भी जनवरी फरवरी के बाद ही देश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई थी। ऐसे में पिछले बार की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें अभी से सावधान होना होगा। इसमें जरा सी भी लापरवाही महंगी पड़ सकती है। ये बात जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने यूनिसेफ भारत के सहयोग से सोसाइटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी से चलाए जा रहे कोरोना जागरूकता कार्यक्रम के नवाचारों के तहत सिरोही जिले के 3 ब्लॉकों रेवदर, पिंडवाड़ा और आबू रोड के लिए कोरोना जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते समय कही। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि कोरोना से जुड़े नियमों की पालना करना ही इससे सबसे बड़ा बचाव होगा। डॉक्टर कुमार ने कहा कि हमें ये समझना होगा कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और वैक्सीनेशन से ही कोरोना से बचाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमें खुद भी टीकाकरण करवाना है और अपने आसपास दूसरों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करना है। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। यूनिसेफ प्रतिनिधि समीर अनवर ने कहा कि टीकाकरण को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन अब भी एक बड़े वर्ग में टीकाकरण को लेकर कई भ्रांतियां हैं, जो आने वाले समय में 100% टीकाकरण के लक्ष्य में बाधा बन सकती है। अनवर ने कहा कि टीकाकरण से जुड़े भ्रांतियों को दूर इस जागरूकता अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। इस दौरान अनवर ने जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जागरूकता अभियान से जुड़ी जानकारी से अवगत करवाया। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विवेक ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना टीकाकरण को लेकर हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन यूनिसेफ के साथ आने से इन प्रयासों को निश्चित तौर पर बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय बोली और लोक शैली में कोरोना प्रचार प्रसार निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है और हमारा मानना है कि इससे प्रभावी तरीके से लोगों के बीच कोरोना जागरूकता जन चेतना जगाने में मदद मिलेगी। शोर के संयोग सचिव लता कछुआ ने बताया कि यूनिसेफ के सहयोग से सिरोही और डूंगरपुर के 5 ब्लॉकों में स्थानीय बोली और लोक शैली के जरिए कोरोना जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत पूर्व में बाड़मेर के जिला युवक कल्याण कोष परिसर सिरोही के स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षण दिया गया था। जन चेतना संस्था के निदेशक अशोक चंद्रकला इस अभियान के तहत स्थानीय कलाकार लोक संगीत, लोक गीतों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल की जानकारी देने, कोरोना टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के लिए और इससे जुड़े भ्रांतियों को दूर करने के लिए जन चेतना जगाने का कार्य करेंगे। कार्यक्रम प्रबंधक हनुमान चौधरी ने बताया कि इस मौके पर महेंद्र सिंह कछुआ, सुनील राखेचा, अभियान से जुड़े लोक कलाकार, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कलाकार टीम द्वारा कोरोना विशेषज्ञ कार्यक्रम की उपस्थिति दी। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम इकबाल की रिपोर्ट।